तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग यूट्यूब पर वीडियोज और मूवीज देखना पसंद करते हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, यूट्यूब पर बहुत सी मूवीज और वीडियो अदर अदर लैंग्वेज में अपलोड की जाती है, जैसे कि दोस्तों इंग्लिश। तो ऐसे में फ्रेंड्स, बहुत से लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम होती है कि हर लैंग्वेज को वो लोग नहीं समझ पाते हैं। तो फ्रेंड्स, कुछ लोग सोचते हैं कि काश इस वीडियोज को या इस मूवीज को मैं अपने लैंग्वेज में देखूँ। तो फ्रेंड्स, कुछ लोग सोचते हैं कि काश इस वीडियो को मैं हिंदी में देखूं, कुछ लोग सोचते हैं कि मैं इसको जापानीज में देखूं, कुछ लोग इसको चाइनीज में देखना चाहते हैं या फ्रेंच में देखना चाहते हैं, या फ्रेंड्स कुछ लोग इसको ग्रीक या इटालियन में भी देखना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अपनी मनपसंद की भाषा के अनुसार किसी भी वीडियो को आप कैसे देख सकते हैं, यानी फ्रेंड्स यूट्यूब की कोई भी वीडियो या कोई भी मूवीज को आप अपनी लैंग्वेज में कैसे देख करके आसानी से समझ सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। और जैसे दोस्तों आप प्ले स्टोर ओपन करेंगे, यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है यूट्यूब। यूट्यूब ओपन करने के बाद फ्रेंड्स, अगर आपके मोबाइल में यूट्यूब ऐप का अपडेट आया होगा तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको अपडेट कर लेना है। अगर फ्रेंड्स आपने अपडेट करके रखा होगा तो अच्छी बात है। सिंपली फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, यूट्यूब को ओपन कर लेना है। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप यूट्यूब को ओपन करेंगे, कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस शो होगा। तो फ्रेंड्स, अब देखिए, ऊपर में राइट कॉर्नर में आपको अपने चैनल का लोगो या फ्रेंड्स आपके ईमेल आईडी का, जो भी नाम से आपने ईमेल आईडी बनाया होगा, उस नेम का पहला अक्षर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, इस पर क्लिक कर लेना है। और जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद फ्रेंड्स, आपको एक यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा, सेटिंग पर क्लिक कर देना है। जैसे फ्रेंड्स सेटिंग पे क्लिक करेंगे, फिर से आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद दोस्तों आपको सबसे नीचे आना है कैप्शन, यानी कैप्शन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको ऊपर में लिखा रहेगा यूज कैप्शन, यानी इसको आपको ऑन करना है। अगर आपका ये ऑफ होगा तो इसको आपको ऑन करना है। तो सिंपली आपको यहाँ पर क्या करना है, ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद फ्रेंड्स, आप देखिए यहाँ पे अब आपको ये लैंग्वेज पूछता है कि आप यहाँ पे किस लैंग्वेज में देखना चाहते हैं। जैसे फ्रेंड्स मान लीजिए यह वीडियो इंग्लिश में है, आप इसको अपने लैंग्वेज के हिसाब से किस में देखना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेज है, आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको इंग्लिश है, उसके बाद फ्रेंड्स फ्रेंच है, इटालियन है, नेपाली है, मराठी है, हिंदी है, बांग्ला है, उड़िया है, गुजराती है, कन्नड़ है, तेलुगु है, बहुत सारी भाषा है। जिस भाषा में आप इसको करना चाहें कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि दोस्तों मैं इसको हिंदी में करना चाहता हूं, तो यहां पे सिंपली मैं क्या करूंगा, हिंदी पे क्लिक करके यहां पे छोड़ दूंगा। उसके बाद फ्रेंड्स सेकंड वाला ऑप्शन है टेक्स्ट साइज, तो यहां पे फ्रेंड्स इसको क्लिक करना है। अगर आप इस चीज़ को स्मॉल में करना चाहें तो स्मॉल में कर सकते हैं, वेरी स्मॉल में करना चाहें तो उसमें भी कर सकते हैं, लार्ज करना चाहें, वेरी लार्ज करना चाहें, जिसमें आपको अच्छा लगे उसमें आप कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों मैं इसको नॉर्मल में ही रखता हूं, क्योंकि मुझे नॉर्मल अभी ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स थर्ड वाला ऑप्शन है कैप्शन स्टाइल, यानी किस स्टाइल में आप इसको देखना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए है, ब्लैक रंग का है आपका वॉल है, उसमें आपको व्हाइट रंग का देखने को मिलेगा। उसके बाद ब्लैक है, व्हाइट है, फिर से दोस्तों व्हाइट और ब्लैक है, ब्लैक और येल्लो है, ब्लू एंड येलो है, फिर ब्लैक एंड व्हाइट है। तो फ्रेंड्स अगर मान लीजिए आप ब्लैक एंड व्हाइट को सेलेक्ट करते हैं तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। उसके बाद फ्रेंड्स अगर मान लीजिए ब्लू एंड येलो को सेलेक्ट करेंगे, कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो फ्रेंड्स आप अपने हिसाब से इसको, अपनी इच्छा से इसको सेट कर लीजिएगा। इसके बाद फ्रेंड्स सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ से आपको बैक आ जाना है। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे ही आप बैक आएंगे, फिर से आप YouTube ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों आपको सिंपली फिर क्या करना है, यहाँ पे सर्च करना है। अब दोस्तों आपको वह वीडियो सर्च करनी है जिस वीडियो को आप देखना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे मैंने एक वीडियो सर्च कर रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए एक वीडियो है जिसको मैं यहाँ पे मान लीजिए प्ले करके आपको अभी यहाँ पे थोड़ा सा दिखा दे रहा हूँ। तो फ्रेंड्स यह वीडियो देखिए, यहाँ पे एक वीडियो है और यह वीडियो मेरी यहाँ पे अब चलना स्टार्ट हो गई है। और फ्रेंड्स यह वीडियो जो है इंग्लिश लैंग्वेज में है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं दिखा दूँ कि इंग्लिश लैंग्वेज में है तो मुझे अच्छी तरीके से समझ में नहीं आ रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, देखिए ऊपर में राइट कॉर्नर में थ्री डॉट आपको देखने को मिल रहे हैं, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको नीचे आना है, यहाँ पे देखिए लिखा है सीसी करके कैप्शन, फिर से आपको इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स अब आपको फिर से अपनी लैंग्वेज को सेलेक्ट कर लेना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेज दी हुई है, जैसे अरबिक है, डैनिश है, ड्यूस है, फ्रेंच है, जापानीज है, ग्रीक है, हिंदी है। तो फ्रेंड्स मान लीजिए यहाँ पे मुझे हिंदी में करना है तो हिंदी में करके यहाँ पे ओके कर दूंगा। और फ्रेंड्स जैसे मैं हिंदी में करके ओके करूँगा, अब दोस्तों देखिए मैं इस वीडियो को प्ले करता हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए ये मेरी वीडियो प्ले हो गई है। और फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे लिख रहा है शुरू करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे सब टाइटल स्टार्ट हो गया है, अगर आप तो ये वीडियो आपके लिए है, माने इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। फ्रेंड्स यह मैंने हिंदी में किया इसलिए यहाँ पे हिंदी में दिख रहा है। तो फ्रेंड्स अगर मान लीजिए
मैं इसको किसी अदर लैंग्वेज में करता हूँ तो उस लैंग्वेज में मुझे शो होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे फिर से आपको अगर लैंग्वेज चेंज करना चाहें तो फिर से आपको क्या करना है, इसी थ्री डॉट पे क्लिक करना है, कैप्शन में आना है। और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, अगर मैं इसको जापानीज में करना चाहूँ तो यहाँ पे जापानीज में क्लिक कर दूंगा। और फिर से दोस्तों मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, ये देखिए दोस्तों मैंने इसको स्टार्ट कर दिया है। अब यहाँ से फ्रेंड्स ये जैपनीज में यहाँ पे शो हो रहा है, देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे सब टाइटल जो है कैप्शन इसका जैपनीज में शो हो रहा है। यानी फ्रेंड्स आप अपने हिसाब से अपने लैंग्वेज के हिसाब से इसको सेट करके इस वीडियो को देख करके अच्छा से इसका अर्थ समझ सकते हैं। और फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि यह जो फीचर्स है यानी इस ऑप्शन का फायदा, यानी किसी भी वीडियो को आप अपने लैंग्वेज में अपने देखना चाहते हैं तो यह उसी वीडियो पे अवेलेबल होगा जिस वीडियो में यह सीसी वाला ऑप्शन अवेलेबल होगा। यानी सीसी वाला ऑप्शन जिसमें आपका अवेलेबल होगा उसी वीडियो में आप इस फीचर्स को इनेबल कर सकते हैं। अदरवाइज फ्रेंड्स जब उस वीडियो में फीचर्स इनेबल नहीं होगा तो आप इस वीडियो का फायदा नहीं ले पाएंगे इस फीचर्स का। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए इस सीसी वाला ऑप्शन जितने भी वीडियो में होगा तभी फ्रेंड्स आप उस वीडियोज को अपने लैंग्वेज में चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज फ्रेंड्स आप उसको चेंज नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर भी आपको इस वीडियो को देखने के बाद कोई प्रॉब्लम होती है तो मेरे कमेंट बॉक्स पर आप मुझसे कमेंट करके मुझसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो यार बाय।